हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास रियल मी का हैंडसेट है तो उसमें आप इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है जिसकी वजह से आपकी, बहुत बार ऐसा होता है अगर वो सेटिंग अच्छे से नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको इंटरनेट की स्पीड जो है वो कमी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज, उस सेटिंग को जानने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले सेटिंग में। और हो सकता है गाइज आपके पास कोई भी सिम हो सकता है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, तो हर एक सिम के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। बट मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले गाइज आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप, अगर आप डुअल सिम यूज करते हो तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा आपने सिम फर्स्ट में नेट ओपन है और आपने यहाँ पे मोबाइल डाटा में सिम टू सेलेक्ट कर रखा है, तो गाइज़ ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जिस सिम में आप नेट यूज करते हो उसी सिम को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर आपको बैक आना है। कॉलिंग तो आपको गाइज आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से सिम से कॉल करना चाहते हो। तो गाइज़ ये बेसिक सेटिंग्स होती है। इसके बाद हम चलते हैं सिम के अंदर, और सिम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है तो जियो के नेटवर्क में आपको यहाँ पे कुछ नॉर्मल ही सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जियो के नेटवर्क में ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे कैरियर नेटवर्क पे, तो मेक श्योर कि आपका ये जो है ऑटो पे होना चाहिए, ये मतलब यहाँ पे ये ऑफ नहीं होना चाहिए, ये आपका हमेशा ऑटो पे ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद गाइज वाईफाई कॉलिंग जो है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, अगर आपको आपके एरिया में जो नेटवर्क स्पीड है या फिर जो टावर है वो काफ़ी कम आते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स अगर आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो इसको ऑन रखना है, फिर बैक आना है। और गाइज अगर आपके पास वो जियो को छोड़ के कोई भी सिम है तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने के लिए मिलेगी प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप की, तो उसमें गाइज आपको 4G, 3G, 2G ऑटो पे सेलेक्ट करना है, जिसमें 4G भी अवेलेबल होगा। 3G, 2G और ओनली 2G पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इंटरनेट स्पीड के मामले में। तो गाइज ये सब आपको चेक करना है। तो गाइज ये सब देखने के बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एक्सेस पॉइंट नेम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास कोई भी सिम हो गाइज, हर एक सिम के लिए एक ही कंडीशन होती है, आपको इस पर जो इन्फॉर्मेशन का ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेम जियो, कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे चेक करना है APN प्रोटोकॉल। तो APN प्रोटोकॉल में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये APN प्रोटोकॉल है IPv4/IPv6 भी क्लिक होना चाहिए, और साथ ही आपका जो APN रोमिंग प्रोटोकॉल है ये भी आपका IPv4/IPv6 पे क्लिक होना चाहिए। और गाइज इसके बाद इस सेटिंग को आपको, मतलब अगर आपका ये और किसी चीज़ पे सिलेक्ट है तो इसको चेंज करने के बाद इस APN सेटिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आना है। और गाइज इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, करने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत है, किस वजह से आपका इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम आ रही है या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आपको इसका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।